हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिडिक्शन मास्टर, जहां आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच में होने वाला मैच, जो कि राजस्थान के होम ग्राउंड सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या चेंजिंग हो सकती है दोनों टीमों में, क्या पिच रिपोर्ट है और क्या प्लेइंग 11 दोनों टीमें लेकर उतर सकती हैं, उससे पहले मैं ये सब आपको बताऊँ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिले और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं मैच नंबर 28, जो कि राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच में होने वाला है, जो कि सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला जाएगा। अगर बात करूँ फ्रेंड्स दोनों टीमों की आपस में टकरार की, तो अभी तक दोनों टीमें 8 बार टकराई हैं, जिसमें से 4 बार राजस्थान ने जीत दर्ज की है, वहीं 4 बार हैदराबाद ने। तो ओवरऑल एक कांटे का टक्कर का मुकाबला होने वाला है। और अगर पिच कंडीशन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये एक हाई स्कोरिंग गेम नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों की जो बैटिंग लाइनअप है कुछ खास नहीं है, लेकिन दोनों टीमों की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी है। तो अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग जो एवरेज स्कोर है यहाँ की तो बात करें 165 है, और सेकेंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर है 170, तो आपको वही 150 टू 170 के बीच में स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमों की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा रन नहीं बनेंगे और 150 और 160 के बीच में स्कोर रहेगा। अगर बात करूँ फ्रेंड्स राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की, तो अजिंक्य रहाणे जो कि ओपन करेंगे, फिर राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन, बेन स्टोक। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हेनरी क्लासेन जो कि पिछले 2 मैचों में उनको खिलाया गया और अभी तक कोई भी एक अच्छा इनिंग नहीं खेल पाए हैं, तो उम्मीद यही है कि डार्सी शॉट से उनको रिप्लेस कर दिया जा सकता है। तो हेनरी क्लासेन एक रिस्क की च्वाइस है और हो सकता है कि डार्सी शॉट को आज मौका मिल जाए। फिर आएंगे जॉस बटलर, के गौथम, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, जयदेव उनादकट और धवल कुलकर्णी। तो ये प्लेइंग 11 है जो कि अजिंक्य रहाणे लेकर उतरना चाहेंगे। तो ज़्यादा आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिल सकता है, सिर्फ एक हेनरी क्लासेन की जगह पर डार्सी शॉट को लाया जा सकता है। तो बस यही एक प्लेयर हैं जो कि थोड़े से रिस्की हैं, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। वहीं अब बात करें सनराइजर हैदराबाद की प्लेइंग 11 की, तो ओपन करेंगे शिखर धवन, उनके साथ केन विलियमसन, फिर मनीष पांडे, साकिब अल हसन, और जैसे कि बता दूं पिछले मैच में मोहम्मद नबी जो कि बैटिंग में बिल्कुल लास्ट ओवर में आए थे और आउट भी हो गए थे, वहीं बॉलिंग उन्होंने की थी तो महंगे साबित हुए थे। तो हो सकता है कि केन विलियमसन नबी को बैठाकर एलेक्स हेल्स को लाएँ, ताकि थोड़ी सी बैटिंग और डीप हो जाए। तो ये एक च्वाइस है जो कि एलेक्स हेल्स आ सकते हैं मोहम्मद नबी की जगह पे। वही बात करूं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं रिधिमान शाह का फॉर्म काफ़ी ख़राब है और बहुत ही गंदी बैटिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी जगह पे गोस्वामी को लाया जा सकता है। विकेट कीपिंग में ऑप्शन श्रीवास्तव गोस्वामी है, तो आप रिधिमान शाह को इग्नोर करके चलें। हो सकता है कि गोस्वामी का लगभग 50% चांस है कि गोस्वामी आज का मैच खेलें। फिर राशिद खान, सिद्धार्थ कौल, संदीप शर्मा, जैसे कि आप बताते पिछले 2 मैचों से भुवनेश्वर कुमार नहीं खेल रहे हैं क्योंकि फिट नहीं थे, हालांकि उन्होंने प्रैक्टिस की है आज और मैच से पहले उनका फिटनेस टेस्ट होगा। अगर वो फिट हो गए तो हो सकता है कि बासिल थम्पी को रिप्लेस करें। वैसे भुवनेश्वर कुमार के ना होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है सनराइजर हैदराबाद की, तो अगर थोड़ी सी भी डाउट रही उनकी फिटनेस पे तो उनको फिर से एक मैच में रेस्ट दिया जा सकता है और सेम प्लेइंग 11 के साथ बॉलिंग लाइनअप के साथ उतर सकती है हैदराबाद। तो ये एक जो रिस्की चॉइस, अगर इसमें रिस्की चॉइस की बात करें फ्रेंड्स, तो मोहम्मद नबी की जगह पे एलेक्स हेल और शाह की जगह पे गोस्वामी आ सकते हैं, और वहीं बैसिल थम्पी की जगह पे भुवनेश्वर कुमार। तो ये 3 चॉइस जो हैं जो कि रिस्की हैं, आप इन तीनों को इग्नोर कर सकते हैं। अब अगर बात करें फ्रेंड्स टॉप 5 रन गेटर की फ्रॉम हैदराबाद, तो केन विलियमसन जो कि 259 रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में, उसके बाद शिखर धवन 146 रन,
फिर यूसुफ पठान जो कि अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं वो 145, मनीष पांडे 142 जो कि अब धीरे धीरे वो फॉर्म में आ रहे हैं, और साकिब अल हसन 117। अगर बात करें हैदराबाद की तरफ से टॉप थ्री विकेट टेकर्स की, तो सिद्धार्थ कौल 9 विकेट, राशिद खान 9 विकेट और साकिब अल हसन 8 विकेट। तो ये आपके पास चॉइस हैं, बेस्ट चॉइस बैटिंग और बॉलिंग में। और अगर बात करें राजस्थान की तरफ से टॉप फाइव रन गेटर की, तो संजू सैमसन जो कि 239 रन बनाए हैं, उसके बाद अजिंक्य रहाणे जो कि 160, फिर बेन स्टोक 147, जॉस बटलर 110 और राहुल त्रिपाठी 75। तो ये टॉप फाइव बैट्समैन हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं राजस्थान की तरफ से। और विकेट टेकर की बात करें टॉप थ्री विकेट टेकर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, तो श्रेयस गोपाल 5 विकेट, जोफ्रा आर्चर जो कि सिर्फ एक मैच खेले हैं और उन्होंने 3 विकेट लिए, और फिर के गौतम। तो ये 3 बॉलर हैं जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। तो ये है आज की टीम न्यूज और प्लेइंग 11 जो कि दोनों टीमें लेकर उतर सकती हैं। अब आइए फ्रेंड्स ड्रीम 11 टीम की बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी टीम क्रिएट कर रखा है। तो विकेट कीपर में 3 ऑप्शन हैं, जॉस बटलर, श्रीवास्तव गोस्वामी और रिधिमान शाह। रिधिमान शाह जो कि काफ़ी ख़राब फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो आप इनको इग्नोर करें बिल्कुल। श्रीवास्तव गोस्वामी आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आज का मैच वो खेले रिधिमान शाह की जगह पर। तो ग्रैंड लीग में मैं बोल रहा हूँ, ग्रैंड लीग में आप सिर्फ ट्राई कर सकते हैं। अगर सेफ जाना चाहें तो आप जॉस बटलर सबसे बेस्ट चॉइस हैं, मैं जॉस बटलर के साथ जा रहा हूँ। और बैट्समैन में बात करें फ्रेंड्स, तो मैं शिखर धवन के साथ जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पिछले 2 मैचों से उनका बल्ला खामोश है, लेकिन उम्मीद है कि वापसी करेंगे जल्दी, और सिर्फ 52% लोगों ने उन्हें रखा है, तो इसलिए मैं शिखर धवन के साथ जा रहा हूँ। अजिंक्य रहाणे काफ़ी अच्छी चॉइस हैं, अगर आप क्रेडिट मैनेज कर पा रहे हैं तो रहाणे को रखिए। फिर केन विलियमसन बहुत ही हैदराबाद की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इस सीज़न में। संजू सैमसन बेस्ट चॉइस। और फिर फ्रेंड्स क्रेडिट ना होने की वजह से मैं मनीष पांडे को स्किप कर रहा हूँ, ये फॉर्म में आ चुके हैं, आप इन्हें ज़रूर रखें टीम में। आप एलेक्स हेल्स को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, ये अपने रिस्क पे एलेक्स हेल्स को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है नबी की जगह पे खेल लें। हेनरी क्लासेन आप इन पे रिस्क ना लें, ये वैसे भी आउट ऑफ फॉर्म है थोड़े से, अगर खेले भी तो ज़्यादा पॉइंट्स देने के चांस कम है, इसलिए आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। राहुल त्रिपाठी हालांकि अभी तक इन्होंने कोई खास इनिंग अच्छा इनिंग खेला नहीं है, लेकिन ये 100% मैच खेलेंगे तो आप इनको रख सकते हैं अपनी टीम में। डार्सी शॉट हो सकता है कि क्लासन के जगह पे आएँ, तो आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। और यूसुफ पठान जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो मैं यूसुफ पठान के साथ जा रहा हूँ। तो ये 4 बैट्समैन यूसुफ पठान, संजू सैमसन, केन विलियमसन और शिखर धवन। ऑलराउंडर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो बेन स्टोक, साकिब अल हसन और कृष्णप्पा गौतम जो कि ये 3 सबसे बेस्ट चॉइस हैं, आप इनके साथ जाएं। बॉलर्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं, भुवनेश्वर का अभी तक कोई फिटनेस पे कंफर्म न्यूज आया नहीं है, तो आप इन पे रिस्क ले सकते हैं ग्रैंड लीग में, अदरवाइज आप सेफ जाना चाहें तो इनको छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं क्रेडिट ना होने की वजह से मैं जोफ्रा आर्चर को मिस कर रहा हूं, लेकिन आप इन्हें ज़रूर रखें अपनी टीम में, क्योंकि ये बड़े ही बेहतरीन बॉलर हैं जो कि स्पीड 150 कंटिन्यूस डाल सकते हैं और स्लोअर बॉल भी काफ़ी अच्छी डालते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर रखें अपनी टीम में। मैं इन्हें नहीं रख पा रहा हूँ क्रेडिट की वजह से, लेकिन आप ज़रूर अपनी टीम में रखें। फिर राशिद खान, धवल कुलकर्णी ये खेलेंगे, जयदेव उनादकट, सिद्धार्थ कौल, संदीप शर्मा, बहुत सारी बॉलिंग में चॉइस हैं फ्रेंड्स, आप जिन्हें चाहें रख सकते हैं। श्रेयस गोपाल और बासिल थम्पी, अगर भुवनेश्वर फिट नहीं हुए तो बासिल थम्पी ही खेलेंगे और काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये लगभग 5-6 चॉइस हैं आपके पास बॉलिंग में, तो आप इनमें से जिन्हें चाहें उन्हें ट्राई कर सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स मैं केन विलियमसन के साथ जा रहा हूँ जो कि हाईएस्ट रन गेटर हैं हैदराबाद की तरफ से, और वाइस कैप्टन मैं शिखर धवन के साथ जा रहा हूँ। ये मेरे 2 चॉइस हैं, आपके पास कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बहुत सारे चॉइस हैं। बटलर जो कि हालांकि लोअर
ऑर्डर पे बैटिंग करें तो आप इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन संजू सैमसन बेस्ट चॉइस हैं, बेन स्टोक, शाकिब अल हसन, राशिद खान, तो ये कुछ चॉइस हैं जिन्हें आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। फ्रेंड्स एक बार मैं फिर बता दूं कि टीम न्यूज़ देना मेरा काम है, लेकिन बेस्ट टीम न्यूज़ देखकर अपना ड्रीम इलेवन का बेस्ट टीम बनाना आपका काम है। तो प्लीज़ आप टीम न्यूज़ पाकर और अच्छी टीम बनाएं और जीतें। ये मेरी टीम है आज की, तो प्रीव्यू देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार। जॉस बटलर, शिखर धवन, केन विलियमसन, संजू सैमसन, यूसुफ पठान, बेन स्टोक, शाकिब अल हसन, के गौतम, राशिद खान, सिद्धार्थ कौल और श्रेयस गोपाल। तो ये आज की प्लेइंग इलेवन है, कैप्टन केन विलियमसन और शिखर धवन वाइस कैप्टन। तो ये है आज की प्लेइंग इलेवन। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।